हम बात कर रहे हैं SJVN की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो स्टॉक में ऑलमोस्ट हमको 1% तक की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली। 1% तक की गिरावट के साथ क्लोजिंग, लगातार गिरावट में स्टॉक हम देख सकते हैं। लगातार गिरावट दिखा रहा है, काफ़ी दिनों से स्टॉक गिरावट में है। बाउंस बैक किया था स्टॉक ने ऑलमोस्ट 124 के लेवल से, एक जंप आया 136 के लेवल से, रिजेक्शन फेस किया, गिरावट आई, तो सपोर्ट लेके एक छोटा मोटा सा जंप देखने के लिए मिला। ऑलमोस्ट सपोर्ट लिया था 130 के आसपास ही सपोर्ट लिया, एक जंप देखा है, वहाँ से फिर स्टॉक में गिरावट देखने के लिए मिले। लेकिन अभी इस सपोर्ट को आपने, जहाँ इससे पहले सपोर्ट लिया था 130 का जो सपोर्ट लेवल है, इस लेवल को अभी तक तो ब्रेकडाउन नहीं किया है। लेकिन अगर ब्रेकडाउन कर गया स्टॉक तो फिर वैसे कंडीशन में इस लो का भी स्टॉक ब्रेकडाउन करता है, इस लो को भी ब्रेकडाउन करता नज़र आ सकता है और गिरावट दिखाता नज़र आ सकता है। क्यों ऐसा, तो हम देखते हैं स्टॉक में एक जंप आया, गिरावट आई, लो ब्रेकडाउन हुआ, अगेन जंप आया, गिरावट आई, लो ब्रेकडाउन हुआ, एक जंप आया, गिरावट आई है, लो ब्रेकडाउन हुआ। अब इस दफ़ा भी एक जंप देखने के लिए मिला है, गिरावट आती है, इस लो को ब्रेकडाउन कर जाता है, तो वैसी कंडीशन में फिर इस लो के जहाँ से सपोर्ट लिया था 124 के लेवल के भी ब्रेकडाउन के चांस बनेंगे, क्योंकि लो और लो चार्ट पैटर्न यहाँ दिखा रहा है। अगर 124 का लेवल ब्रेकडाउन कर जाता है तो वैसे कंडीशन में 120 नेक्स्ट सपोर्ट और फिर 115 तक का भी फॉल हमको स्टॉक दिखा सकता है। फिर 120 और 115 किसी भी एक लेवल के आसपास से फिर खेल के पलटने के चांस बनेंगे। लेकिन अगर स्टॉक इस सपोर्ट को ब्रेकडाउन नहीं करता, 130 के पास से ही सपोर्ट लेकर बाउंस बैक कर जाता है, तो वैसे कंडीशन में जहाँ से रिजेक्शन लिया इमीडिएट टारगेट रहेगा 135 का लेवल, और इसके ब्रेकआउट के बाद मेजर जो रेजिस्टेंस फेस कर जाएगा, देख सकते हैं रेड कैंडल जहाँ से रिजेक्शन लिया था 140 का लेवल रहेगा। 140 का ब्रेकआउट इम्पॉर्टेंट है और अपसाइड के लिए और तेज़ी के लिए। अगर बाउंस बैक करके 140 के लेवल को, ये जो हाई है जहाँ से रिजेक्शन किया, लगातार गिरावट दिखाया था, इस लेवल को ब्रेकआउट कर गया, तो उसके बाद फिर एक क्लियर कट हमारे लिए अप ट्रेंड का सिग्नल रहेगा। फिर यहाँ से लगातार अपसाइड देखने के लिए मिल सकता है। फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस 150 के आसपास और 150 के ब्रेकआउट के बाद 160 तक का भी जंप दिखा सकता है। तो अभी पहले हमको इंतज़ार करना है इसके, इस लेवल का ब्रेकआउट का 135 को, उसके बाद 140 तक का जंप दिखा सकता है। 140 का ब्रेकआउट मतलब फिर अपसाइड का सिग्नल। वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए, हम कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।